नमस्कार, R9 TV देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। सावन का पावन अवसर की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज सावन का पहला सोमवार है और कहते हैं शिव जी को सोमवार बहुत प्रिय है और वैसे भी सावन का महीना है, शिव जी का महीना है। तो ऐसे में आज हम पहुँचे हैं प्रीत विहार के शिव मंदिर में और मेरे साथ मौजूद है इस मंदिर के पंडित जी उत्तम शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका R9 TV में। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला सोमवार है, कहते हैं शिव जी का प्रिय दिन सोमवार ही है, तो क्यों खास माना जाता है इस सोमवार को? क्योंकि भगवान शिव जो है देवाधिदेव महादेव हैं, देवताओं में भी जो है महादेव की उपाधि उन्हें मिली हुई है और सभी देवताओं की उपाधियां तो बीच में जाती और आती रहती है, लेकिन भगवान शिव एक ऐसे महादेव हैं जिनकी उपाधि ना तो कभी जो है गई है और ना ही कभी जाएगी, इसलिए उनको जो महादेव की उपाधि मिली हुई है। भगवान शिव को सोमवार ही क्यों प्रिय है? चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण कर रखा है। चंद्रमा अपनी पत्नियों के द्वारा जब बहिष्कृत किए गए थे तो भगवान शिव के शरण में चले गए थे और भगवान शिव ने उन्हें अपने ललाट में धारण कर लिया था। जी बिल्कुल, तो सावन का सोमवार बहुत प्रिय है और वैसे भी आज इस बार जो सावन का महीना चल रहा है इसमें चार सोमवार हो रहे हैं, पूरे के पूरे चार सोमवार हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे दिन की भी शुरुआत हो रही है। कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, 150 साल के बाद कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ खास है इस बार के सावन में, ये आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, खास तो देखो हर प्रकार से हर बार की भांति आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। भगवान शिव को आप 16 प्रकार के जो अभिषेक की सामग्री, रोली मौली लौंग इलायची सुपारी पान का पत्ता धूप रुई कपूर फूल माला फल प्रसाद, या यदि आपके पास इतनी भी व्यवस्था या समय का अभाव है तो आप पंचामृत लेकर के भगवान शिव को जो है दूध दही घी चीनी शहद गंगा जल मिला करके भगवान शिव को पंचामृत आप चढ़ाएं। यद्यपि ये भी असंभव समय का आपके पास यदि अभाव है तो आप जल और गंगा जल ही चढ़ा करके अपनी जो है भक्ति को पूर्ण करने में सामर्थ्यवान हैं। जी, और बिल्कुल ये भी जानना चाहेंगे कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान आशुतोष तुम औडर दानी आरत हरत हरहुं दीन जन जानी, हर दीन हीनों की सुनते भगवान शिव, और कहते हैं कि भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते उतना और कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। तो भगवान शिव तो कहते हैं कि मुझे पत्र और पुष्प ही चढ़ा दो, बेलपत्र ही चढ़ा दो, उसमें ही मैं प्रसन्न हूँ। आपके पास बस केवल आप मंदिर आएं और परमात्मा को यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा करके और भगवान शिव के सामने नतमस्तक अर्थात आप अपने आप को समर्पित कर दें, इतने में ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जी पंडित जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस बार कहा जा रहा है कि नाग पंचमी भी सोमवार के दिन पड़ रही है, बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया योग बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है 153 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जो कि हमारे पंचांग धर्म सिंधु के साथ जो है निर्णय दिया गया है, तो बहुत ही शुभ समय, क्योंकि भगवान शिव के गण हैं नाग। नाग जो है भगवान शिव के गण हैं और नागों को इसलिए पृथ्वी में धरातल में बहुत ही उत्पात मचाते थे नाग, तो भगवान शिव ने अपने ललाट में धारण कर लिया क्योंकि नागों से विषैला और कोई नहीं होता, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने सर पर ललाट में जो धारण कर लिया और कहा कि भाई आपका स्थान मेरे पास, क्योंकि गरल सुधा जो है विश्व पान किए, भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो विश्व का पान करने में सामर्थ्यवान हैं और उन्हें कुछ नहीं होता, इसलिए जब जब ऐसा समय आया देवताओं पर गंभीर विपदाएं आईं, भगवान शिव ने जो उन्हें करना चाहिए वो करने के लिए सद्यता अर्थात शीघ्र ही तैयार हुए और नाग पंचमी के दिन सोमवार आया, बहुत ही शुभ योग है। जिनको अनेकानेक प्रकार की परिस्थितियां अनिष्ट है या कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही, परेशान हैं लोग, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरियों से परेशान हैं, वो केवल नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें और आप हर प्रकार की अपनी जो है परेशानियों से मुक्ति और बढ़ सकते हैं। ऐसा बहुत सुंदर शुभ समय आया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो आपने सुना पंडित जी से कि इस बार का सावन कितना महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ योग बन रहे हैं, नाग पंचमी भी सोमवार के दिन ही पड़ रही है, तो सावन हर तरीके से इस बार जो है बहुत ही शुभ योग लेके आया है। और वैसे भी कहते हैं कि शिव जी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, शिव जी से अपनी किसी भी मुराद को पूरी करवाना चाहते हैं, तो इस सावन के सोमवार का व्रत रखें। और खास बात इस सावन के महीने में ये भी है कि इस पूरे के पूरे सावन महीने में चार सोमवार पड़ है, जो कि अपने आप में खास है। तो कुल मिलाकर ये सावन बहुत खास है, शिव जी की पूजा करें, उपासना करें और आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी श्रद्धा भाव है, जो भी आप शिव जी से मांगना चाहते हैं जरूर मांगे, क्योंकि शिव जी आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। कैमरा पर्सन अर्शद खान के साथ मैं पूजा, R9 TV।